अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। आज जो है ना, हमने थोड़ा सा न्यू ट्राई करने की कोशिश की है। मेरा दिल है हम ना पबजी की वीडियो के साथ साथ थोड़े से ना क्लचेस भी अपने ऐड किया करें। जो मुझसे क्लचेस मिस हो जाते हैं या जो क्लचेस होते हैं 1v4 1v3 वो मैं ऐड किया करूँ, क्योंकि ऐसे पबजी की वीडियो है ना वो मुझे खुद थोड़ी बोरिंग लगने लग गई है, क्योंकि पबजी बड़े अरसे से हम खेलते आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ना हमें डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट करूँ। अभी मैं नेट जो है ना पाकिस्तान को जो नेट है वो बड़ा तंग कर रहा है, तो मेरा दिल है नेट चेंज करवाऊं। तो नेट देख रहा हूं मैं, कोई अच्छा नेट मिलता है तो वो लगवाएंगे इंशाल्लाह। बाकी यहां पे 1v2 मेरा हो चुका होता है, एक बंदा मैंने पहले नॉक किया होता है और दूसरा ये नॉक करता हूं, तो तीसरा जो है वो भी मुझ पर पुश करता है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा मुझे डैमेज दे जाता है। लेकिन अच्छा खासा मैंने इसको जिगल दिया और जिगल दे के इसको मैंने फिनिश कर दिया, साथ साथ इनका रिवाइव ना हो, क्योंकि सोलो बंदा मैं रह जाता हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ा फनी सीन होगा वो आप लोगों ने देखना। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं एंड पर से वॉइस ओवर जो है ना वो हटा दूंगा, तो ये वाला जो 1v1 है ना ये आप इंजॉय करो पहले। Awesome. नहीं यार, सोना मार गया। तो इस भाई को मैं नॉक फिनिश करता हूँ, तो ये भाई ना फौरन से पंजाबी में कहता है एथे आओ एथे आओ। तो हूँ एथे ही आओ, तो फिर ये इधर जब एथे आते हैं ना तो इनके साथ क्या सीन होता है वो भी जरा देखो। Awesome. प्लेन हो रहा था बर्गर। तो ये वही एथे आओ वाला स्क्वाड था, तो इनको यहीं पे मैं फिनिश कर देता हूँ। इनके दो ही बंदे रह जाते हैं, तो ये वाला क्लच, इस क्लच का मुझे नहीं यकीन था ये वाला क्लच होगा, लेकिन चेक करो आप बस। तो भाई साहब कैसा लगा क्लच? अगर मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ऐसे हम वॉइस ओवर किया करें या नहीं किया करें, क्योंकि वॉइस ओवर आजकल चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ हम भी वॉइस ओवर ही करें। इस मैच में हमारे साथ ना आए होते हैं अर्दुजाई भाई, तो इनके साथ हमारी फ़ाइट होनी है। तो ये वाला आधा मैच है, आधा मैच इसलिए क्योंकि हम बीच में हम मर जाते हैं, लेकिन उनके साथ हमारी फ़ाइट होती है। तो ये वाला मैच आप लोगों ने इन्जॉय करना। यहाँ पर हम इवेंट पर उतरते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था यार, नेक्स्ट सीजन मेरा दिल कर रहा है कोई ना मजे का सीन हो, ना लाइव स्ट्रीम पे बैठे हैं रैंक पुश करें कॉन्करर का या फिर टॉप 100 का रैंक पुश करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार अगर आप लोग भी कुछ ऐसा चाह रहे हो। और बाकी आप सबको पता है PMBL भी आ रहा है, तो इससे ये होगा कि हम गेम को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और हमारी जो गेम है ना वो और ख़तरनाक हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आजकल आपका भाई ना विदाउट ही प्रैक्टिस खेल रहा है। विदाउट प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने बीच में गेम जो है ना वो छोड़ दी हुई थी, शादी वाला सीन था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विदाउट प्रैक्टिस। तो अब जो है ना मेरा दिल कर रहा है कि एक दफ़ा फिर से कमबैक मारा जाए, और ऐसा कमबैक कि सबकी जो है ना एक दफ़ा समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो बाकी यहाँ पे ये चाचा राडिया बैठा होता है, इसको तो मैं यहाँ नॉक फिनिश करता हूँ। एक और टीममेट, इसने नाम किंग रखा होता है लेकिन इसके काम फराडियों वाले होते हैं, तो यहाँ इन दोनों को हम मार देते हैं। तो अर्दुजाई भाई की जो है ना किल फीड चल रही होती है, तो किल फीड देख कर मुझे हौसला हो रहा होता है कि चलो यार बंदा जिंदा है, के साथ हमने फाइट लेनी है, तो फाइट लेंगे तो कंटेंट मिलेगा भाई। यहाँ पे जो है ना हमने इवेंट क्लियर कर दिया होता है, तो इवेंट के बाद हम जाते हैं हम दूसरे इवेंट पे। तो दूसरे इवेंट पे हम जैसे ही जाते हैं आगे से हमें कौन मिलता है, कैस करो अर्दुजाई भाई। यस अर्दुजाई, हमें हमारी अर्दुजाई के साथ मुलाकात होती है, मुलाकात इस तरह के फोलियों में मुलाकात होती है लेकिन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं छत पे चढ़ता हूँ, तो छत पे से मुझे बंदे नज़र आते हैं। पहले तो ये किंग भाई दोबारा से यहाँ पे घूम रहे होते हैं, किंग भाई को अभी मैंने पिछले इवेंट में मारा था, तो इनको मैं यहाँ नॉक फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं दूसरे बंदे पे स्प्रे देता हूँ, तो ये भाई अर्दुजाई भाई होते हैं और ये ओपन में बैठ के किसी को पैन मार रहे होते हैं, पैन से इनका किल फीड भी चलता है। तो आई थिंक सो इनके पास गोलियाँ नहीं होती, ये देखो किल फीड आया ना, इनके पास गोलियां नहीं होती, तो यहाँ पे इनकी दुश्मनी चल रही होती है। तो यहाँ पे एक और लास्ट बंदा होता है, तो यार पैन का, पैन आजकल पाकिस्तानी आम में हमारा पैन का बड़ा सीन चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, फिस्ट और पैन ये दोनों चीज़ें बड़ी आम हुई हुई हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं भाई। जब मैं कहीं नॉक हो जाऊँ या फिर मैं कहीं फंस जाऊँ ना, तो नॉक होने के बाद मुझे पैन या फिस्ट ही पड़ता है भाई। तो यहाँ पे हम अपना कंटेंट निकाल के इजी होके लेटे होते हैं कि इतने में एक और पुश आ जाता है, पुश आता है तो फिर इस पुश को भी कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल हम अपने तरीके में करेंगे। लॉन्ग रेंज हम स्प्रेज, आपको पता है लॉन्ग रेंज स्प्रे, लॉन्ग रेंज फाइट लेने में मुझे बड़ा मजा आता है,
तो क्लोज रिंग वैसे भी मेरा थोड़ा हल्का है अभी, तो इनशाला उस पर वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही वो फिट हो जाएगा ना फिर हम घुस के फटा करेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ, नॉक साथ साथ ही मैं फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप पे दूसरा टीम होता है, तो मैं सोचता हूँ मेरा किल चोरी ना हो जाए, इस वजह से हम इसको यहाँ फिनिश करते हैं। तो ये चेक करें स्प्रे, ये इस चीज में मुझे मजा आता है कि अगले को एक गोली ना चलाने दो और स्प्रे करके ना नॉक करो। तो यहाँ पे लास्ट बंदा इनका ढूंढ रहा होता हूँ, घोड़ा जैसे ही मैं बनता हूँ ना मेरी किस्मत देखो, अब बंदा गोलियां चलाता है और मैं साथ ही घोड़ा बन जाता हूँ, मुझे पता नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है ये। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्लेक्स मार के ना यहाँ पे इनकी मैं टीम खत्म कर देता हूँ। अब मेरा जो है ना गला सूख रहा है, मुझे नहीं पता आवाम कैसे इतने लंबे लंबे वॉइस ओवर करती है, तो खैर हम भी ट्राई कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है ना इस पे हाथ बैठ जाएगा और गला भी बैठ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, सही है। तो यहाँ पे मेरा टीम मेट नॉक हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी जो अंतिम संस्कार है ना वो यहाँ पे, वो इंडिया में इंडियन क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमारे वो होने हैं। तो यहाँ पे एक बंदा आगे होता है, मैं यहाँ पे लेट के पेटी लूट रहा होता हूँ, और पीछे से दो बंदे या तीन बंदे आ जाते हैं, और ये चाचा फ्राडिया आगे हमारे साथ फ्राड कर जाता है, और फ्राड करने के साथ साथ ये हमें मार जाता है। तो यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों के सामने मैं एक 1v8 रखने लगा हूँ, वो 1v8 आप लोगों ने एंजॉय करना है, और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वह बड़ी मेहरबानी यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहनत होगी, आप लोगों को नहीं पता कि एक वीडियो में कितनी मेहनत लगती होती है, ठीक है। ये 1v8 एंजॉय करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना इस तरह के गेम प्ले आपको चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, अपना दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मुझे राइट से बंदा है, अंदर ही रुको सुफियान भाई, अंदर ही रुको सुफियान भाई। दो बंदे इकट्ठे हैं यार, चलो काम बंद है। हम आर लग रहे हैं इसमें, टावर वाले नमी तो ध्यान ना, वो पेश पेश कर रहे पीछे छोटी, एक रेडिएटर वन वी एट क्लच।